खबर है सीहोर से। सीहोर जिले की श्यामपुर ग्राम पंचायत में नहीं हो रही साफ सफाई, जिससे कि ग्रामीण जन परेशान हो रहे हैं। ग्राम पंचायत श्यामपुर अंतर्गत श्यामपुर नगर में सफाई अभियान नहीं हो पा रहा है। ग्राम के स्कूल परिसर ग्राउंड के नजदीकी शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल केंद्र श्यामपुर स्कूल के पास में कंचन कुटिया कचरा घर बना हुआ है। उसके बाहर रास्ते पर ही कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है। कचरे को व्यवस्थित तरीके से नहीं डाला जा रहा है। पंचायत की लापरवाही देखने को मिली है। उसी रास्ते से छात्र छात्राओं को गुजरना पड़ता है। वो परिसर के पास कूड़ा कचरा लगातार बना हुआ है। ग्राम पंचायत के उप सरपंच प्रदीप पुष्पत के द्वारा लगाया गया ग्राम पंचायत सरपंच पर आरोप समस्या बताई जा रही है, जो कि वास्तविकता में सही है। हमारे द्वारा सरपंच महोदय को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन हमारी सरपंच सुनते ही नहीं है। वहाँ अपनी मनमानी करते हैं। ग्राम में कई स्ट्रीट लाइट भी रात के समय नहीं जलती हैं, जिससे कि मेन बाजार में अंधेरा बना रहता है। शौचालय परिसर में लगातार गंदगी बनी रहती है। शौचालय परिसर बना है दारू का अड्डा। कई दिनों से नहीं हुई अंदर की साफ सफाई और ना ही पीने के पानी की कोई उचित व्यवस्था है। ब्यूरो रिपोर्ट सीहोर। श्यामपुर ग्राम पंचायत शौचालय के बुरे हाल, श्यामपुर ग्राम पंचायत की अनदेखी, ग्राम सरपंच नहीं दे रहा है ध्यान। इतनी गंदगी है कि व्यक्ति बाथरूम भी टॉयलेट भी सही से नहीं कर सकता। नशेलियों का बना अड्डा श्यामपुर शौचालय, श्यामपुर ग्राम पंचायत इस पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। ये देखो, श्यामपुर ग्राम पंचायत में गंदगी का अंबार रोड पर, मंडी रोड स्थित कचरे का अंबार, ये है श्यामपुर ग्राम पंचायत की सच्चाई। अब आप ही देख लो। का सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, श्यामपुर के बस स्टैंड पर जो शौचालय है उस पर गंदगी दिखाई दे रही है, और मंदिरों के सामने धार्मिक स्थलों पर भी गंदगी दिखाई दे रही है, और ग्राम में लाइट की भी समस्या बड़ी हो रही है। इसके विषय में आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो वास्तविक सही है, जैसे कि श्यामपुर बस स्टैंड में शौचालय की साफ सफाई नहीं हो पाती है, और मेन रोड पर लाइट बस स्टैंड से शिव मंदिर तक लेकर रामचौक तक लाइट नहीं लगी है। ऐसे अनेक समस्याएँ हैं श्यामपुर पंचायत की। और जैसे छोटी रोड पर जीन महाराज बाबा है, वहाँ पूरा गाँव का पानी ला के नाली माला के छोड़ दी गई है। गांव के द्वारा बोला गया भी सही कि नाली को थोड़ा आगे बढ़ा दी जाए। गांव का प्राचीन मंदिर है, और जैसे कि मंडी में भी ठाकुर बाबा का मंदिर है, वहाँ भी बहुत गंदगी फैला रखी है। अच्छा, ग्राम में जो लाइट की समस्या आ रही है वो कब से आ रही है? ये तो काफ़ी टाइम से आ रही है, कम से कम उसकी राशि भी आ चुकी है 8 लाख रुपये के आसपास, पर क्या मालूम उसकी राशि का क्या हुआ। अच्छा, इस विषय में आपको ग्राम के लोगों ने अवगत कराया था क्या? जी, अवगत कराया था। मैंने सरपंच साहब से कई बार बोला गया, सरपंच साहब कहते हैं कर लेंगे, करते कुछ भी नहीं है। जैसे अनेक समस्याएं हैं, एक समस्या है तो बताई दी जाए। क्या नाम है आपका? मैं ग्राम पंचायत श्यामपुर का उप सरपंच फिरदी पुष्पत उप सरपंच हूँ, पर मेरी भी कोई सुनवाई नहीं होती, ना मेरे पंचगढ़ों की कोई सुनवाई होती है पंचायत के अंदर। धन्यवाद। आपके द्वारा सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल किया गया, उसके संबंध में आप क्या जानकारी देंगे और ग्राम में क्या समस्या हो रही है? मेरे द्वारा जो सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर जो वीडियो डाले गए हैं वो 101% पूरे सही हैं। ग्रामीण जनों की बहुत समस्या है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का विधायक प्रतिनिधि हूँ, तो लोग मेरे पास समस्या लेकर आते हैं, तो मैं अपने आप को बड़ा कमज़ोर साबित महसूस करता हूँ जब लोग आते हुए मैं उनकी समस्या का हल नहीं कर पाता हूँ। पिछले लगभग एक वर्ष से मेन रोड पूरा बस स्टैंड से लेकर तहसील चौराहे तक नल जल योजना ठप पड़ी है। दूसरा, बस स्टैंड से लेकर श्री राम चौक तक मेन रोड की स्ट्रीट लाइट पूरी बंद पड़ी है। तीसरी, ये बस स्टैंड स्थित एक शौचालय बना हुआ, सार्वजनिक शौचालय, वहाँ पर दारू और पीने वालों का अड्डा बना हुआ है। वहाँ पर माता बहनें और महिलाएं शौचालय करने नहीं जा सकती, वहाँ पर इतनी गंदगी है कि आप और हम जाएं तो हम बाहर ही इसके भरी आएँ। दूसरी बात ये कि एक सार्वजनिक स्थान है, पूरे ग्राम पंचायत श्यामपुर का
मतलब निष्ठा का और आस्था का मंदिर है ठाकुर बाबा का, वहाँ पर इतनी गंदगी पड़ी हुई है कि मैं जब वहाँ से निकल गया तो मेरा दिल कलेजा हिल गया कि जिसको पूरा गांव पूछता वहाँ पर गाय मरी पड़ी है और इतनी गंदगी पड़ी है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ। तो मैंने भी कई बार ग्राम पंचायत नवीन चौहान से कहा कि भैया समस्या हल करवाइए, इससे हमारा नाम खराब होता है, विधायक जी का नाम खराब होता है, लेकिन वो कोई भी बात हमारी सुनने को तैयार नहीं है। अंततः परेशान होकर मुझे ये कदम उठाना पड़ा और ये कदम मैंने उठाया तो उसके अंत तक चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े इससे पीछे नहीं हटूंगा, और भी आगे जो भी होगी वो कार्रवाई करेंगे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम, मैं गोविंद पाटीदार हूँ, विधायक प्रतिनिधि ब्लॉक श्यामपुर का और मंडल उपाध्यक्ष भी हूँ भारतीय जनता पार्टी श्यामपुर। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।